दोस्तों नमस्कार। घरेलू उपचार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक चमत्कारी साधना दे रहा हूँ जो अति कारगर है जी, है टोटका, लेकिन ये साधना के रूप में है। तो दोस्तों इसे आप साधना करके काल भैरव को बस में कर सकते हैं, और बस में हो जाने के बाद आप मन चाहे इनसे गुलामी करा सकते हैं, और उनको करना है तो यह है काल भैरव वशीकरण। तो दोस्तों आइए, अब कौन सी साधना और कौन सी क्रिया आपको करना है उसे आप सुने ध्यान से, थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो ये सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों अमावसा के रात्रि में अपना शुक्र मूल को निकालें और उसे सुखाकर उसे रख लें, शुक्रमूल को सुखा के रख लें, और जब दूसरी अमावस्या आवे तब उसे संध्या के समय मतलब शाम होने से पहले जहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरती हों वहाँ जाकर शुक्रमूल का अंजन करना है जी। दोनों आँख में जो शुक्रमूल सुखा के रखे हैं उसको अंजन करना है जी। कहाँ? जहाँ भेड़ बकरियाँ चरती हो वहाँ संध्या के समय। उसी समय जब आप अंजन करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या? काल भैरव बकरे पर सवार होकर टोपी पहनकर आपको वो दिखाई देंगे। उसी समय आपको तेजी से लपट के उनकी टोपी ले लेना है जी, टोपी को मत छोड़िए, और टोपी उनका उतार लें, ले लें थोड़ा फुर्ती के साथ। जब आप टोपी ले लेंगे तो काल भैरव आपके पास टोपी मांगने आएंगे, टोपी मांगने आपके पास आएंगे, तो आप टोपी को छुपा दीजिए। वो मांग रहे हैं मांगने दीजिए, लेकिन टोपी को आप छुपा दीजिए और उनको भगाइए मत। अब वो आपके बस में हो गए जी, जब तक आपके पास टोपी रहेगी तब तक काल भैरव आपके घर रहेंगे, उनको भगाना नहीं है जी। अब आप टोपी लेके छुपा दीजिए और उन्हें लौटाइए मत, भगाइए मत, जब तक यह टोपी साधक के पास रहेगा जी तब तक काल भैरव आपके बस में रहेंगे जी। आप जो चाहे उनसे करा लीजिए, वो करने के लिए तैयार हैं। मैं अभी नहीं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, आपको जो मर्जी चाहिए उनसे बोलिए कि हमें ये काम है, ये करना है, वो लाना है, सब करके देंगे जी। लेकिन टोपी आपके पास रहना चाहिए, और टोपी कहीं गलत जगह मत रखिएगा, नहीं तो रात में लेके रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर वो आपके पास नहीं आएगा जी, एकदम छुपा के रखना है जी। दोस्तों तो अगर यदि शुक्र बीज आपको नहीं समझ में आता है तो आप फोन करके आप हमसे पूछ लीजिए। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताया हूँ कि शुक्र मूल क्या होता है। बहुत लोग समझ गए होंगे कि शुक्र मूल क्या है, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वो फोन करके आप इसको पूरा समझ लेना जी।
तो ये रही काल भैरव वशीकरण। दोस्तों, अगर ये सामान आपको प्राप्त हो गया तो आपकी किसी बात की टेंशन नहीं। तो ये रही काल भैरव वशीकरण सीधी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आप कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।